नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लेटेस्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग की आई वैकेंसी के बारे में। गाइस यहां पर जो है तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर एंड एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रखा गया है AMD 3/2021। सो गाइस यहाँ पर जो है तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, सैलरी बहुत अच्छी रखी गई है। पूरी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी, सो बने रहिएगा आप वीडियो के आखिरी तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको जो है तो मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर गाइस जो है तो सबसे पहली पोस्ट आई हुई है साइंटिफिक असिस्टेंट बी में फिजिक्स में। यहाँ पर गाइस जो है तो टोटल 4 वैकेंसी आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 1 है, जनरल कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। अगर मैं यहाँ पर सैलरी की बात करूँगा गाइस, तो सैलरी यहाँ पर जो है तो 35,400 पर मंथ आपको मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर गाइस जो है तो DA एंड अदर डेली अलाउंसमेंट्स जो होंगे वो आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर जो है तो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा हुआ है BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 60% साथ अगर आप पास आउट हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। BSc विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी है, 60% साथ आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस जो है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो है तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, OBC कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स एंड जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो है तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यहाँ पर केमिस्ट्री वाले ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सैलरी आपको 35,400 पर मंथ मिल जाएगी। एंड यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट आई हुई है, जिसमें BSc विथ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स 60% साथ अगर आप पास आउट हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केमिस्ट्री जियोलॉजी फिजिक्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर जो है तो जियोलॉजी वाले भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो SC के लिए यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है एज लिमिट, OBC के लिए 30 ईयर्स, EWS के लिए 30, जनरल कैटेगरी के लिए 30। यहाँ पर गाइस जो है तो टोटल 5 वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस जो है तो पोस्ट आई हुई है साइंटिफिक असिस्टेंट बी जियोलॉजी में, जिसमें सैलरी भी आपको 35,400 यहाँ पर मिल जाएगी। टोटल यहाँ पर जो है तो 14 वैकेंसी है। यहाँ पर SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, जनरल कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर BSc जियोलॉजी से है आप, 60% से अगर आप पास आउट हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज जो है तो आपको डिवाइड की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 35 यहाँ पर जो है तो 35,400 यहाँ पर जो है तो सैलरी रखी गई, प्लस DA एंड अदर अलाउंसमेंट्स आपको जो है तो मिल जाएंगे। टोटल 2 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर जो है तो ग्रुप बी की पोस्ट आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 60% साथ अगर आप पास आउट हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस जो है तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी आपको 35,400 पर मंथ मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसी रखी गई है गाइस। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, BSc कंप्यूटर साइंस से है, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस से है, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा IT कंप्यूटर से है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो है तो साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले के लिए आई हुई है। यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, 30 ईयर्स के साथ अगर आप एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यहाँ पर जो है तो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल आपसे जो है तो मांगा हुआ है। सो गाइस बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर जो है तो टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई, जिसमें फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी आपको 21,700 मिल जाएगी। टोटल यहाँ पर जो है तो 4 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर SSC किए हैं, 60% साथ अगर आप पास आउट हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो लेबोरेटरी में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सैलरी आपको 21,700 मिल जाएगी। टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट है। अगर आप 60% साथ पास आउट हैं, SSC किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो टेक्नीशियन प्लम्बर में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यहाँ पर जो है तो SSC 65% साथ अगर आप पास आउट हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी अगर आप पास आउट हैं, यहाँ पर सैलरी आपको 21,700 मिल जाएगी। एंड यहाँ पर जो है तो एज लिमिट
28 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो बिल्डिंग में वैकेंसी आई हुई है बाइंडिंग में, जिसमें यहाँ पर जो है तो SSC आपसे मांगा हुआ है एंड यहाँ पर 21,700 यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो है तो प्रिंटिंग में वैकेंसी आई हुई है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्रिलिंग में वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर गाइस जो है तो अपर डिवीजन क्लर्क में वैकेंसी आई है, जिसमें सैलरी आपको 25,500 मिल जाएगी। 16 यहाँ पर टोटल वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर जो है तो डिग्री है आपके पास 50% के साथ, अगर आप पास आउट हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है तो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर जो है तो आपको टाइप राइटिंग इंग्लिश में आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस जो है तो ड्राइवर ओडेनी ग्रेड में आई हुई है, जिसमें सैलरी 19,900 मिल जाएगी। टोटल 13 वैकेंसी है। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड अगर आप पास आउट हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यहाँ पर जो है तो 18,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पर गाइस बता दूँ 18,000 यहाँ पर सैलरी रखी गई है। अगर आप यहाँ पर जो है तो 10th से पास हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस जो है तो मिनिमम हाइट एंड मिनिमम चेस्ट की बात कर लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पर जो है तो मिनिमम हाइट की हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है तो मेल के लिए 170 रखी गई है, फीमेल के लिए 157 रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर जो है तो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आल डिसिप्लिन जो है उनके लिए 200 रखी गई है। एंड यहाँ पर जो टेक्नीशियन बी के लिए अपर डिवीजन क्लर्क ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। बहुत ही कम एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। सो आप अगर एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। यहाँ पर जो है तो गाइस एज में छूट भी आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पर जो है तो एज लिमिट आपको यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। यहाँ पर असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आर डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर मैं बात करूँगी सिलेक्शन प्रोसीजर की। आपसे रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते दोस्तों, तो यहाँ पर जो है तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं एंड यहाँ पर मार्क्स रहेगा टोटल यहाँ 100। एंड यहाँ पर गाइस जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, टाइमिंग आपके पास 2 आवर्स रहने वाला है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो है तो टेक्नीशियन के लिए आल डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर बात करूँ, स्टेज 1 में प्री टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन टाइप की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर गाइस जो है तो निगेटिव मार्किंग रखी गई है एंड यहाँ पर मार्क्स 150 रहने वाले हैं एंड यहाँ पर क्वेश्चन 50 रहेंगे। टाइमिंग आपके पास 1 आवर्स रहने वाला है। यहाँ पर जो है तो रिटर्न जो आपसे जो है तो स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं ये सारा शेड्यूल आपको जो है तो बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क की बात करूँ तो यहाँ पर लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव एंड 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पर जो है तो टेस्ट लिया जाएगा। पैटर्न 1 की बात कर लेती हूँ गाइस, तो यहाँ पर जो है तो टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो 300 मार्क्स रहेंगे आपके। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई गाइस। टाइमिंग आपके पास 2 आवर्स रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम लेवल 2 में होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट आपसे लिया जाएगा, जिसमें पार्ट ए में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन यहाँ पर जो है तो इंग्लिश ग्रामर्स आपसे जो है तो लिया जाएगा। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर जो है तो इसे टाइप एंड नोटिंग एंड डिफरेटिंग यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं लिया जाएगा। यहाँ पर जो है तो मार्क्स 100 रहने वाले हैं एंड यहाँ पर जो है तो टाइमिंग आपके पास 3 आवर्स रहेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर जो है तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर फिजिकल सब कुछ लिया जाएगा। यहाँ पर जो है तो PET लिया जाएगा, फिजिकल इक्वायरेंस टेस्ट। यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला गाइस, आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो तो फीमेल के लिए यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, जिसमें 100 मीटर्स रन करने हैं आपको 20 सेकंड में एंड लॉन्ग जंप यहाँ आप देख सकते हैं 2.7 मीटर्स, 9 फीट यहाँ पर 3 इंच। एंड यहाँ पर गाइस जो है तो सिटअप्स
यहाँ पर जो है तो आपको बताया हुआ है 30 ईयर्स वालों के लिए यहाँ पर 20 रखा गया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट यहाँ पर जो है तो होगा। अब मैं यहाँ पर गाइस बात कर लेती हूँ एग्जामिनेशन सिटी की, एग्जामिनेशन सेंटर की। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम यहाँ पर जो है तो दिया गया है। यहाँ पर अब मैं बात कर लेती हूँ फॉर्म फिल करने की। स्टार्टिंग डेट जो रखी गई है 9/10/2021 रखी गई है एंड लास्ट डेट की बात करूँ तो 24/10/2021 से पहले आप गाइस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी डिस्कस कर ली हूँ दोस्तों। हमारी वीडियो दोस्तों जो है तो लंबी हो जाती क्योंकि हम सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।